कोरोना के अलर्ट के बीच उपमंडल ज्वाली में पीलिए के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते 10 मरीज थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 170 हो चुकी है। मरीजों की रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस ए के लक्षण पाए गए हैं। ज्वाली इलाके में पीलिया धीरे धीरे एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। रोजाना पीलिया के मामलों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ज्वाली में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि मौजूदा मरीजों की पूरी एहतियात के साथ इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरीजों की खून की जांच रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस ए के लक्षण पाए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि हेपेटाइटिस ए और डी पानी के कारण होता है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग को इस क्षेत्र में पानी के स्रोतों को क्लोरोफाइल करने के आग्रह किया गया है। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया से निपटने के लिए एक टीम गठित की है, जो घर घर जाकर पीलिया से पीड़ित मरीजों को ट्रेस कर रही है, ताकि उनका घर द्वार पर ही इलाज किया जा सके। हमारे पास पिछले कुछ दिनों से ये सूचना आ रही थी कि नगरोटा सूरिया ब्लॉक में ज्वाली के आसपास के क्षेत्रों में सडनली जंप हुआ पीलिया के केसेस में, और कल तक की जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 170 लोग वहाँ पीलिया के संक्रमण के साथ रिपोर्ट किए हैं हॉस्पिटल में। मेरे विभाग ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और IPH के साथ वहाँ निरीक्षण किया मेरे अधिकारियों ने, और वहाँ पे जो है एक्सटेंसिव IC की गई, वाटर सोर्सेज की क्लीनिंग और उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, और अब जो है वो हाउस टू हाउस सर्वे। 170 लोग तो हॉस्पिटल में आए थे, अब मेरे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो हर घर में जा कर के ये पता लगा रहे हैं कि कोई केस ऐसा छूट तो नहीं गया, और साथ में उनको जो उसके बचाव के जो भी उपाय हैं वो बताए जा रहे हैं। जो हमने उनके खून के नमूनों का जांच कराई थी टांडा में, वो हेपेटाइटिस ए की वजह से है वो पीलिया के रोगी, और हेपेटाइटिस ए और डी यूजली वाटर बॉर्न होता है, ओरो फीकल कंटेमिनेशन के साथ, कि उनका वो जल स्रोत है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी, उसी की वजह से है। हमने IPH विभाग वालों से अनुरोध किया है कि वो उस क्षेत्र में जो पानी की सप्लाई है उसमें सुपर क्लोरिनेशन करें। लोगों को सलाह दी है कि अपनी टैंकियाँ और उनको साफ रखें, और साथ में उबला हुआ पानी यूज़ करें पीने के लिए।